छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को हराकर छत्तीसगढ़ में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में अनेकों वायदों की छड़ी लगा दी थी, जिसकी वजह से वह चुनाव में जीत गए। लेकिन वायदे पूरे नहीं करने में सरकार के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने को आया है, लेकिन अब तक कई वायदे कतार में लगे होने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि हड़ताल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सर, हमारी मांगे यह है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी जो सुरक्षा है उसकी सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए। और हम लोग ने सबसे पहला तो यह है कि हम लोग नियमितीकरण जो है हमारा है ना, उसको हम लोग सामने रखें कि हमारा जो नियमितीकरण, अगर सरकार बोली है तो नियमितीकरण होना चाहिए हमारा। और जो ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है वो ईपीएफ का लाभ हमको मिलना चाहिए, और ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए हमको। और हम शासन से प्रति वर्ष 3 चरणों में 1 दिन का अवकाश लेकर के, उसके बाद 3 दिन का अवकाश लेकर के, उसके बाद 5 दिन का अवकाश लेकर के शासन को ध्यान आकर्षण धरना के माध्यम से अवगत कराते आए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी की 15 सालों से लंबित मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। इस शासन से बहुत कुछ आशा थी और इसने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे और हमारे नियमित कर्मचारियों की वेतन विसंगति है इसको दूर करेंगे, इनके घोषणा पत्र में था। 4 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया, अब 3-4 महीने बचे हुए हैं, इसमें हम लोगों की जब आशा खत्म हो चुकी है उसके बाद हमें यह कदम उठाना पड़ा है। हम नहीं चाहते कि जनमानस की सेवा से हम दूर रहें, लेकिन इस सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है आंदोलन करने पर। और यह आंदोलन सिर्फ आज का नहीं है, ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक ये जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन आर पार की लड़ाई होगी।